नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ स्टडी 2020 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का संविधान, उसमें मौलिक अधिकार जो कि भाग तीन में आता है, उसमें आज हम लोग छठे अधिकार के विषय में बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, इसमें टोटल आर्टिकल जो आते हैं वो आपके 32 से 35 तक आते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आर्टिकल 30 तक कवर किया था, आज हम लोग खास तौर से आर्टिकल 32 के विषय में बात करेंगे। आर्टिकल 32 में जो रिट के विषय में बताया गया है, आज हम लोग जितनी भी रिटें हैं उसको हम लोग देखेंगे, और जो अगला वीडियो होगा रिट के अंतर्गत क्या बताया गया है उसमें हम लोग देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। भारत का संविधान, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देख रहे थे। मौलिक अधिकार भाग तीन, इसमें जो टोटल आर्टिकल हैं बारह से पैंतीस हैं। आज हम लोगों को जो देखना था, छठे अधिकार के विषय में बात करना था, आज हम लोग को शुरू करना है। आज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें टोटल आर्टिकल 32 से 35 है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 32 के विषय में। आर्टिकल 32 जो कि मौलिक अधिकार का संरक्षक है, इसीलिए आर्टिकल 32 को मौलिक अधिकार का हृदय और आत्मा कहा गया है। आपने देखा होगा कई जगह यह प्रश्न आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार का हृदय और आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कितनी रिट जो हैं आती हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 32 पांच उपचारों के बारे में बात करता है। पहला है बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार अधिकार प्रच्छा। इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें अधिकारी को अपने अधिकार के अंदर कार्य करने के लिए बताया गया है। इसमें बीच में अगर कोई कार्य गलत हो रहा है तो उसको रोकने के बारे में बताया गया है। निर्णय के बाद उत्प्रेषण रिट के बारे में बताया गया है कि अगर कोई निर्णय जो न्यायालय द्वारा किया जाता है उसमें उत्प्रेषण रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। अधिकार प्रच्छा, अगर किसी को गलत तरीके से कोई अधिकार प्राप्त हो गया है
पद प्राप्त हो गया है तो या रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। रिट है, रिट पांच उच्चारण बारे में बताया गया दोस्तों, जो कि पहला उपचार बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश रिट, तीसरा प्रतिषेध रिट, चौथा उत्प्रेषण रिट, पांचवा अधिकार प्रत्याहार रिट, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आर्टिकल 30 तक देखा था। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, इसको यहां से हटा दिया गया। कौन से संशोधन में हटाया गया? 44वां संशोधन 1978, इसको याद रखिए दोस्तों। बहुत ही कम समय में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको समझ लीजिए। अगला आने वाला वीडियो जो होगा वो इन रिटों के अंतर्गत क्या बताया गया है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा दोस्तों। इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस आप देख सकें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।